नमस्कार प्यारे बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी पाठ तीसरा जादू पढ़ेंगे। जादू पाठ को कमलेश तुली जी ने लिखा है, वो उनके लेखक हैं। और बच्चों, इस पाठ में हम एक वाद्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हाँ बांसुरी। और इस बांसुरी के जो धुन निकलती है उसके जादू के बारे में हम अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो ठीक है बच्चों, जैसे कि पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जादू। जादू शब्द आपको, जैसे जादू शब्द सुनकर ऐसा लगा होगा कोई जादूगर है जो जादू दिखाएगा हमें, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर जो जादूगर जादू दिखाएगा वो जादू यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम संगीत के जादू के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जादू जैसे चमत्कार होता है ना, उसी तरह का। तो हम ये जो गीत संगीत, उसके जो मधुर ध्वनि निकलती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके प्रभाव को देखेंगे कि गीत संगीत का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे मन पर क्या प्रभाव उसका होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। देवपुर का राजा कर्मसेन न्यायप्रिय था। एक राज्य था, उस राज्य का नाम देवपुर था और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम कर्मसेन था। और वो जो राजा थे वो बड़े न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय अर्थात न्यायशील। परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी, अर्थात उन्हें पसंद नहीं था। राजा को गीत संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें पसंद ही नहीं था, अच्छा ही नहीं लगता था। अतः राज्य में गाने बजाने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में गाने बजाने की पूर्ण रूप से मनाही कर दी गई थी। अर्थात रोक लगा दिया गया था कि इस राज्य में कोई भी गाना बजाना नहीं करेगा और ना ही सुनेगा। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। उसी राज्य में एक लड़का था जो पढ़ा लिखा था, उसका नाम सत्यजीत था और वो लड़का बांसुरी बजाने में बहुत कुशल था। अर्थात निपुण था, वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था और जो धुन निकलती थी वो सबका मन मोह लेती थी, इस तरह का वो बांसुरी बजाता था। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक पर आता दिखाई दिया। एक दिन की बात है, वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने वाला था। अभी उसने बांसुरी बजाना शुरू ही नहीं किया तब से उसने ऐसे जब ऊपर देखा तो उसे एक घुड़सवार दिखाई दिया। वो घुड़सवार उस युवक की तरफ ही आ रहा था। घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवारी करने वाला। ठीक है बच्चों, अचानक घोड़े का पाँव फिसला और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अचानक क्या हुआ, घोड़ा तो दौड़ रहा था पर अचानक घोड़े का पैर फिसल गया और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जो था वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और गिरने से वह बेहोश हो गया। और घोड़े पर कौन सा व्यक्ति बैठा था, हमारे राजा ही बैठे थे, राजा कर्मसेन बैठे थे और वो जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही गिरे वो बेहोश हो गए। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया किंतु उन्हें होश नहीं आया। सत्यजीत ने बहुत कोशिश की कि राजा को होश में ले आए, प्रयत्न किया अर्थात प्रयास किया, कोशिश किया, किंतु अर्थात लेकिन जो है वो सत्यजीत अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया, अर्थात राजा को होश नहीं आया। सत्यजीत बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या करूँ, कैसे राजा को होश में ले आऊँ। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। सोच में डूब जाना अर्थात खूब सोच विचार करना और अपने विचारों में खो जाना। अचानक सोच विचार करते करते सत्यजीत को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी बांसुरी बजाऊं, शायद मेरी बांसुरी की धुन सुनकर राम महाराज को होश आ जाए। तो इसलिए सत्यजीत अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी का मधुर संगीत
पूरे वातावरण में गूंजने लगा। बांसुरी की जो संगीत थी उस पूरे वातावरण में, उस जंगल में गूंजने लगी, फैल गई चारों तरफ और बहुत ही मीठी ध्वनि थी। पक्षी भी उस मधुर ध्वनि से आसपास मंडराने लगे। पक्षी जो थे उस मधुर संगीत को सुनकर, मधुर अर्थात बहुत मीठा, ऐसे मीठे संगीत को सुनकर वहीं आ गए और आसपास मंडराने लगे, जैसे वहाँ से वो जाना ही नहीं चाहते और एक स्थान पर ही वो स्थिर हो गए और वहीं पर वो जैसे वो खड़े हो गए, स्तंभ हो गए, देख रहे हैं या सुन रहे हैं। पक्षी जो है इतने मुग्ध हो गए, पक्षी भी मुग्ध हो गए, इतनी मधुर संगीत थी। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आँखें खोल रहे हैं। तभी सत्यजीत ने देखा कि महाराज जो है, राजा जो है, वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोल रहे हैं, अर्थात महाराज को होश आ रहा है। सत्यजीत डरकर राजा के पाँव में गिर पड़ा। सत्यजीत डर गया क्योंकि सत्यजीत भी उसी राज्य का रहने वाला युवक था और सत्यजीत को अच्छी तरह से पता था कि महाराज को गीत संगीत पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्य में मनाही कर रखी है और सत्यजीत उनके सामने, उनके पास में बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहा है। वो बहुत डर गया, इसलिए डर के मारे उसने क्या किया कि वो जाके राजा के पैर पर गिर पड़ा, अर्थात वो बोलना ही चाहता था कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने बोला ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाया, उससे पहले ही राजा ने कहा, युवक कल तुम हमारे राज दरबार में आ जाना। राजा ने कहा, हे युवक कल तुम हमारे राज दरबार में आ जाना। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुँचा। सत्यजीत बहुत डर रहा था, एक तरह से तो सत्यजीत राज दरबार में जाना ही नहीं चाहता था, इतना डर रहा था, लेकिन राजा की आज्ञा है तो उसे जाना ही है। अब सत्यजीत डर भी रहा है, जाना भी है, फिर भी वो पहुंच गया राज दरबार में। राजा ने सत्यजीत को देखा और कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। राजा ने बड़े प्यार से कहा, युवक तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। राजा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और कहा, युवक तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि तुम्हारे जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ और देखो राज दरबार में बैठा हूँ, इसलिए तुमने जो किया बहुत अच्छा किया और मुझे अच्छा लगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में भी गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पाबंदी नहीं होना अर्थात उसके ऊपर रोक नहीं होना, उसके ऊपर जो प्रतिबंध है उसे हटा देना। राजा जो था बहुत खुश हो गया था क्योंकि राजा की जान आज संगीत ने बचाई है, गीत संगीत ने बचाई है। तो राजा को ऐसा लगा कि जो मैंने किया है आज तक बहुत गलत किया है, मेरे राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, जो मेरी प्रजा है, उनको भी गीत संगीत सुनने का पूरा अधिकार है। इसलिए सोच समझकर उन्होंने अपने मंत्री से कह दिया कि आप यह घोषणा करवा दीजिए राज्य में कि हमारे राज्य से भी गीत संगीत की पाबंदी जो है वो हटा ली जा रही है और हमारी प्रजा गीत संगीत का आनंद उठा सकती है। सारे राज्य में तुरंत यह घोषणा कर दी गई, घोषणा अर्थात ऐलान करना, प्रकाशन करना। राजा की बात को पूरे राज्य में फैला दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि राजा ने गीत संगीत के ऊपर से अपनी पाबंदी हटा ली है, सब अपने पसंद का, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वाद्य बजा सकते हैं, सुन सकते हैं, गीत गा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो राजा की बात सुनकर सारी प्रजा बहुत खुश हुई, है ना बच्चों, और उन्हें अच्छा भी लगा। तो इस तरह से हमारा ये पाठ अब पूरा होता है, आगे हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। न्यायप्रिय अर्थात न्यायशील, रुचि, रुचि होना अर्थात इच्छा, जो अच्छा लगे, मनाही अर्थात रोक, बांसुरी एक प्रकार का वाद्य, इसे आपको ये भी ध्यान में आएगा ना
कि इसे भगवान कृष्ण जो है वो बजाते थे। भगवान कृष्ण जी का यह एक प्यारा वाद्य है। और जब भी हम बांसुरी को देखते हैं तो बच्चों हमारे दिमाग में भगवान कृष्ण जी की छवि आ जाती है ना। आगे देखिए, कुशल अर्थात निपुण, व्यक्ति उसका अर्थ है आदमी, प्रयत्न अर्थात प्रयास, मधुर अर्थात मीठा। बच्चों अब हम इस पाठ में आए कुछ मुहावरे को देखेंगे, जैसे सोच में डूबना, सोच विचार में खो जाना, खोना, घोषणा करना, ऐलान करना। आगे कुछ चित्र आएंगे, उन चित्रों को देखकर वाद्यों के नाम बताना है आपको। देखिए बच्चों, ये चित्र किसका है? तबला। ये चित्र किसका है बच्चों? हारमोनियम। ये चित्र किसका है? बांसुरी। ये किसका चित्र है बच्चों? मजीरा। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये किसका चित्र है? सितार। ये चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? ढोलक। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब अगली कक्षा में हम अगला पाठ लेकर आएंगे, तब आपसे मिलेंगे। थैंक यू।